दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में गलती से आपका 24 घंटे वाला जो टाइम फॉर्मेट होता है वो सेट हो गया है, आपको उसकी जगह 12 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट वापस सेट करना है, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 बज रहे हैं, इसके बाद 21 बजेंगे, 22, 23, 24 का टाइम आपको देखने को मिलता है अगर आपके फोन में रेलवे वाला टाइम यहाँ पे सेट हो जाता है। क्योंकि 24 आवर वाला सेटअप अगर आपके फोन में हो जाता है तो आपको ये पूरा इस तरह से देखने को मिलता है कि नॉर्मल हमारी जो वॉच में टाइम होता है उसमें 12 के बाद 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 के बाद 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, 15 बजते हैं, इस तरह का टाइम आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, आपके गलती से इस तरह का 24 आवर वाला टाइम फॉर्मेट यहाँ पे सेट हो गया और इसे वापस आप यहाँ पे 12 घंटे वाले टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे उसी की डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि अपने फोन में 24 घंटे वाले टाइम को 12 घंटे वाले फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फोन में भी इस तरह का 24 आवर वाला टाइम फॉर्मेट सेट हो गया जिसकी वजह से 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से आपको अपने मोबाइल टाइम बताता है, इसे आप दोबारा से 12 घंटे वाले टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको काफी तरह के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर आपको टाइम एंड डेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके फोन में आपको इस तरह से सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली अपनी सेटिंग में आना है। सेटिंग पे आने के बाद सर्च में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइम लिख के इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप टाइम लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह से भी आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अगर इस तरह से सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से सर्च कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको यूज नेटवर्क प्रोवाइडर यानी कि ऑटो अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जोन का ऑप्शन मिल जाता है, और थोड़ा सा नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली इस पर टैप करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में 24 आवर वाला टाइम यहाँ पे सेट हो चुका है, इसकी वजह से 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से टाइम बता रहा है, लेकिन अगर आप इसको वापस 12 घंटे वाले में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 12 घंटे वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, बस आपका काम यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ से ब्रेक ले लेता हूँ, अब ब्रेक लूंगा तो यहाँ मेरी होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे 20:41 हो रहे थे, अब यहाँ पे 8:41 हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपके फोन में भी गलती से 24 आवर वाला टाइम फॉर्मेट यहाँ पे सेट हो गया है और आप वापस से अपना 12 आवर वाला यहाँ पे टाइम फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।